नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर के युवा समाज सेवी संस्था आज प्रारंभ नई सुबह का के द्वारा DRM बिलासपुर के नाम स्थानीय रेल प्रबंधक को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसमें विभाग द्वारा रद्द किए जाने वाली ट्रेनों को बहाल रखने की मांग की गई है। बताया गया है कि अंबिकापुर, जबलपुर एवं जो अन्य ट्रेन रद्द है उसके संबंध में DRM को ज्ञापन दिया गया है। यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगभग एक साल से यहाँ पर ट्रेनों का एक ट्रेन का संचालन बंद है, जिसका जो शटल ट्रेन है, और उसके बाद अभी DMU का भी संचालन बंद है प्रत्येक बुधवार और शनिवार को। और अभी कल से 27 जुलाई से 28 अगस्त तक अंबिकापुर से चलकर जबलपुर को जाने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। तो इसमें रोड पे रहने वाली सब लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आने वाले त्यौहार हैं अभी 10-15 दिन बाद, तो जो बाहर छात्र पढ़ रहे हैं वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। मरीजों को जाना होता है जबलपुर के लिए, कटनी के लिए, कानूनी काम के लिए लोग जाते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।